जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय भी हमारे पार्टी के यहाँ मंत्री हुआ करते थे कि 24 में केंद्र की सरकार बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है, इसलिए हम लोग के पार्टी की तो पूरी तरह से इनके प्रति समर्थक है ही समर्थन इनका। नमस्कार, दृष्टि न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू झारखंड में अपनी जमीन तलाश रही है। इसी कड़ी में जदयू को झारखंड में मजबूती मिले, जदयू अपनी जगह बना पाए, इसको लेकर जदयू के प्रभारी और सह प्रभारी झारखंड दौरे पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त विधायक मनोज यादव हैं, इनसे जानते हैं कि झारखंड में जदयू की स्थिति जो आप फिलहाल देख रहे हैं, आपको लगता है कि पार्टी संगठन झारखंड में मजबूत है? आपको मालूम होगा कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय भी हमारे पार्टी के यहाँ मंत्री हुआ करते थे, MLA भी हुआ करते थे। कहीं ना कहीं अभी हम लोग विधानसभा में हमारी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन चूँकि संगठन है और संगठन हम लोग कैसे और ज़्यादा मजबूत करें, हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। उसी के दरमियान आपने देखा कि इस झारखंड में एक प्रभारी और दो सह प्रभारी हम लोग यहाँ घूम रहे हैं और पूरे प्रदेश को हम लोग दौरा किए, पूरे प्रदेश में अपने संगठन को देखा और संगठन कैसे मजबूत है इस पर चर्चा हो रही है। और आने वाला दिन में आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग की पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में झारखंड में रहेगी। और 24 और 25 हम लोग का सीधा उद्देश्य है कि 24 में केंद्र की सरकार बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है और 25 में हम लोग की सरकार जो इंडिया गठबंधन की होगी वो झारखंड में बनेगी। इंडिया पे आएंगे, लेकिन पहले हम झारखंड की बात कर लेते हैं कि झारखंड में फिलहाल जो संगठन मजबूत करने को लेकर आप लोग का दौरा जारी है, लेकिन जो अध्यक्ष हैं जदयू के, जो सुप्रीमो हैं, वो झारखंड दौरे पर अब तक नहीं पहुँचे हैं, खासकर पार्टी संगठन को मजबूती करने को लेकर। नहीं, आपको मालूम नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले अगले मीटिंग में आ चुके हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, वो मीटिंग में आए, विशेष तौर पर संगठन को मजबूत करने को लेकर उनका दौरा नहीं हुआ है कभी, वो जनसभा को संबोधित किया। हम लोगों ने तय किया है कि 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का कार्यक्रम होना है और हर एक कार्यक्रम में हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ हमारे पार्टी संगठन के लोग आएंगे उसकी जवाबदेही हम लोगों ने तय कर रखी है। पहले 5 प्रमंडल का कार्यक्रम होगा, फिर हमारे नेता जो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, नवम्बर में उनका भी कार्यक्रम होना है झारखंड में, तो वो बहुत मजबूती से हम लोग कार्यक्रम कराएंगे और बृहद रूप में लोग यहाँ आएंगे, आपको ये विश्वास दिलाते हैं। गठबंधन में शामिल है, आपको लगता है आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जदयू को झारखंड में जगह मिलेगी? पहले हम लोग संगठन को मजबूत करें, निश्चित रूप से हम लोग जब संगठन मजबूत होगी तो हम लोग का पार्टी कार्यकर्ता अपनी दावेदारी पेश करेगा, वो तो बात की बात। आखिरी सवाल लेंगे, आप लोग गठबंधन में शामिल है, JMM भी गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग झारखंड दौरे पर भी पहुंचे हुए हैं, झारखंड सरकार कैसा काम कर रही है, कैसे देख रहे हैं हेमंत सरकार के काम? बहुत अच्छा और जो कार्य इनका हो रहा है, हमारे नेता का पूरी तरह से इनको आशीर्वाद प्राप्त है। और आप लोग देखते होंगे जो इंडिया गठबंधन बना है, हर हम जगह पर जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया झारखंड के मुख्यमंत्री ने, इसलिए हम लोग के पार्टी की तो पूरी तरह से इनके प्रति समर्थक है ही समर्थन इनका। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे जदयू विधायक मनोज यादव, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, दृष्टि न्यूज के लिए रांची से। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।